हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के जलेसर रोड जिला पूर्ति अधिकारी ने की घर में बने एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई। भारी मात्रा में राशन का चावल पकड़ा, की विभागीय कार्यवाही। डीएसओ सुरेंद्र यादव को सूचना मिली थी कि सादाबाद में चावल गेहूं आदि की कालाबाजारी की जा रही है। जलेसर रोड स्थित एक गोदाम में कालाबाजारी का अनाज रखा हुआ है। डीएसओ गोदाम पहुंचे और छापेमारी की। छापेमारी में गेहूं, बाजरा आदि मिला है, जिससे संबंधित कागजात मांगे गए हैं। वहीं एक ट्रक से 120 क्विंटल चावल मिला है, जिसको एक राशन डीलर की सुपुर्दगी में दिया गया है। कार्रवाई की बात कही जा रही है। आगे जानकारी देते हुए डीएसओ सुरेंद्र यादव ने बताया। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। सर, जलेसर रोड पे छापेमारी चल रही है, क्या मामला है सर? सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ से जो है चावल का अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने से जो है यहाँ पर छापा मारा गया था और यहाँ का रिकॉर्ड देखा गया। ये जो है तेल का ऐसे कंपनी है, यहाँ पे बाजरा और देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।